गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा पादपों में जन्म की विशिष्ट विधियां। ध्यान दीजिए कि हमने पहली यूनिट का 3 पार्ट पढ़ लिए हैं, चौथा पार्ट है अध्याय 4 अर्थात 8-4 पादपों में जन्म की विशिष्ट विधियां। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि पादपों में प्राकृतिक रूप से कायिक एवं न्यायिक जनन पाया जाता है। पादपों में प्राकृतिक रूप से कायिक एवं न्यायिक जनन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पादपों में बिना विशेषण के ही नए पौधों का निर्माण होता है। बिना विशेषण के ही नए पौधों का या नए पादपों का निर्माण होता है। इसे पादपों में जन्म की विशिष्ट विधियों के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिएगा, जन्म की विशिष्ट विधियां मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। देखिए ना, जन्म की विधियां रूप से तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? जिन्हें असंगजनन, असंगजनन इसे एपोप्टोसिस कहते हैं। दूसरी है बहुभूता, बहुभूता और तीसरी है सूक्ष्म प्रवर्धन। तो आप देखिएगा अध्याय 4 में पादपों में जन्म की विशिष्ट विधियां। देखिएगा इसमें प्रश्न लगे हैं हल्का सा कि पादपों में क्या, पादपों में प्राकृतिक रूप से, पादपों में प्राकृतिक रूप से कायिक जनन एवं नैनिक जनन पाया जाता है। क्या होता है? पादपों में प्राकृतिक रूप से कायिक जनन एवं नैनिक जनन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त पौधों में बिना सके ही इसके अतिरिक्त पादपों में बिना निषेचन के ही नए पादपों का निर्माण हो जाता है। क्या? इसके अतिरिक्त पादपों में बिना निषेचन के ही, ध्यान दीजिएगा, बिना निषेचन के ही नए पादपों का निर्माण हो जाता है। इसे पौधों या पादपों में जनन की विशिष्ट विधियों के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना, जन्म की ये विशिष्ट विधियां मुख्य रूप से जन्म की ये विशिष्ट विधियां मुख्य रूप से जन्म की तीन प्रकार की होती है। मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन प्रकार की होती है। पहली है एपोप्टोसिस, दूसरी है
बहु भूमता पॉलीएम्ब्रियोनी बहु भूमता और तीसरी है सूक्ष्म प्रजनन देखेगा हम अच्छी तरह जानते हैं कि पादप में प्राकृतिक रूप से कायिक एवं लैंगिक जनन पाया जाता है। इसके बाद ही क्या होता है पादपों में बिना निषेचन के ही नए पौधों का निर्माण हो जाता है, बिना निषेचन के ही नए पौधों का या पादपों का निर्माण हो जाता है, इसे पादपों में जनन की विशिष्ट विधियों के नाम से जाना जाता है। पादपों में जनन की ये विशिष्ट विधियां मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। पहली है स्तनजनन जिसे बोलते हैं एपोमिक्सिस, दूसरी है बहुभूमता पॉलीएम्ब्रियोनी और तीसरी है सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रोप्रोपेगेशन। इसके बारे में हमें विस्तार से चर्चा करनी है। तो अब आता है पहला स्तनजनन, ध्यान दीजिएगा क्या है स्तनजनन, पहले बात हमने उसके बारे में चर्चा हुई थी। हमारे ये लास्ट टॉपिक है पादप एम्ब्रियोलॉजी का। आपको पता होना चाहिए कि पादप एम्ब्रियोलॉजी है ना भारतीय आवर्त बीजी पादप भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, प्रोफेसर पंचन महेश्वरी को, प्रोफेसर पंचन महेश्वरी को भारतीय आवर्त बीजी पादप विज्ञान या भारतीय आवर्त बीजी पादप भ्रूण विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। क्योंकि प्रोफेसर पंचन महेश्वरी ने जाना आवर्त बीज पादपों में टेस्ट ट्यूब तकनीक का आविष्कार किया। चर्चा करते हैं, देखो अगर एसएमए जनन पहले के लिए एसएमए जनन एपोमिक्सिस ये भी कर सकते हैं एपोमिक्सिस इंग्लिश टर्म है क्या है ये किसे कहते हैं एपोमिक्सिस ऐसा जनन। तो देखिएगा पादपों में बिना निषेचन के ही या पौधों में बिना निषेचन के ही अंडकोशिका से भ्रूण एवं बीजों का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं एपोमिक्सिस को एपोमिक्सिस कहते हैं। बिना निषेचन के ही अंडकोशिका से क्या परिभाषा है एसएनएम की, बिना निषेचन के ही अंडकोशिका से भ्रूण एवं बीजों के निर्माण की प्रक्रिया को एसएनएम कहते हैं। एसएनएम एस्पिसिया में पाया जाता है। आगे देखिएगा एसएनएम को एपोमिक्सिस भी कहते हैं और तीन बहुत महत्वपूर्ण नोट्स हैं क्योंकि रोगा अंदर भारतीय आवर्त बीजी पादप भ्रूण विज्ञान प्रोफेसर पंचन महेश्वरी को कहते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रोफेसर पंचन महेश्वरी ने आवर्त बीज पादपों में टेस्ट ट्यूब तकनीक का आविष्कार किया और टेस्ट ट्यूब तकनीक का आविष्कार किया। भ्रूण वैज्ञानिकों के अनुसार कायिक प्रवर्धन और अनुच्छेद 20 भी एसएनएम के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये एसएनएम के बारे में थोड़ा सा हो गया। इसके प्रकार एसएनएम के प्रकार कितने प्रकार से होती है, ऐसे जनन तीन प्रकार की होती है अनावर्ती ऐसे जनन और पुनरावर्ती ऐसे जनन और अपस्थानिक भूता ऐसे जनन। इसके बारे में दीजिएगा ऐसे जनन के प्रकार देखिएगा ऐसे जनन के प्रकार तीन प्रकार की होती है संजन, ध्यान देना। पहला है अनावर्ती ए संजन
अनावर्ती ऐसा पूछना है पुनरावर्ती पुनरावर्ती है संघ जनन और तीसरी है आपस्थानिक भूमिका सृजन आपस्थानिक भूमिका ऐसन जनन तो ऐसे नन तीन प्रकार का होता है पहला है अनावर्तीय संक्रमण दूसरा है पुनरावर्तीय संक्रमण तीसरा है आपस्थानिक भूमिका ऐसन जनन अब देखिएगा कि क्या होती है अनावर्ती देखिएगा जब दूरीकरण मात्र कोशिका से अनावर्ती संक्रमण जब दूर बीजाणु मात्र कोशिका से अर्ध सूत्री वाले द्वारा निर्मित सक्रिय रूप बीजाणु एक सक्रिय बीजाणु से अर्ध सूत्री वाले द्वारा निर्मित एक सक्रिय दूर बीजाणु से एग्री ग्लूकोस कौन सा एग्री ग्लूकोस और उस ग्लूकोस की कोई भी एनिस्थित कोशिका से यदि भू का निर्माण होता है उसे अनावर्ती है ना कहते हैं ध्यान देना इसमें द्विगुण मात्र कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ध्यान देना ये द्विगुण होती है द्विगुण इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन क्या बनेगा गुरु बीजाणु गुरु बीजाणु और ये होता है सक्रिय गुरु बीजाणु जो होता है एग्रज क्या देना सक्रिय गुरु बीजाणु एग्रज अब यदि इससे भ्रूण कोष का निर्माण होता है भ्रूण कोष मादा ये मकरोद्गत ये क्या होता है एम मतलब मादा दुर्मकोद गेफ जाने ना गुरु जानु मात्र कोशिका अर्थात क्या जब गुरु जानु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री वायु द्वारा गुरु जानु का निर्माण होता है और इस गुरु जानु के द्वारा ग्लूकोस का निर्माण होता है ग्लूकोस का निर्माण होता है ग्लूकोस की कोई ध्यान देना ग्लूकोस की कोई भी एनिस्थित कोशिका ध्यान देना इसकी ग्लूकोस की कोई भी एनिस्थित कोशिका कोई भी एनिस्थित कोशिका कोई भी एनिस्थित कोशिका से यदि भ्रूण बनता है तो उसे क्या बोलते हैं ऐसा जन्म कौन सा अनावर्ती ऐसा जन्म कहते हैं भ्रूण कोष की कोई भी एनिस्थित कोशिका से यदि भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे क्या बोलते हैं ऐसा जन्म कहते हैं तो इसमें भ्रूण कोष कैसा होता है एग्रज ये हो गई अनावर्ती ऐसा अब आता पुनरावर्ती ऐसा इसमें देखेगा इसमें प्रस्तुत कोशिका प्रस्तुत कोशिका आर की स्पिंडल सेल प्रस्तुत कोशिका क्या ध्यान दीजिएगा बीजांड काय की कोई भी कोशिका बीजांड काय सब कोशिका क्या अध्यारण कोशिका या अध्यावरण अध्यावरण कोई भी द्विगुणित कोशिका सब कैसे होती है ट्वेन कैसे होती है द्विगुणित कोशिका से यदि गुरु बीजाणु का निर्माण होता है बिना अर्थ के गुरु बीजाणु यह ट्वेन होता है इस गुरु बीजाणु से क्या होता है ग्लूकोस ग्लूकोस और इस ग्लूकोस की कोई भी एनिस्थित कोशिका इसकी कोई भी एनिस्थित
कोशिका से भी भ्रूण बनता है तो उसे क्या बोलते हैं अनावर्ती तो पुनरावर्ती बहुभूता सॉरी पुनरावर्ती बहुभूता नहीं पुनरावर्ती एक्सटर्नल ध्यान देना पुनरावर्ती एक्सटर्नल में क्या होता है कि उसका कोशिका बीजाणु का या जनन की कोई भी द्विगुणित कोशिका जैसी कोई भी द्विगुणित कोशिका से यदि क्या बनता है द्विगुणु बनता है और द्विगुणु द्विगुणित होता है इस द्विगुणु से ग्लूकोज का निर्माण होता है ग्लूकोज में क्या होता है द्विगुणित इस ग्लूकोज की इस द्विगुणित ग्लूकोज की कोई भी एनर्जी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है उसे क्या बोलेंगे पुनरावर्ती असंग जनन कहते हैं उसको। अब आती है अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता ध्यान देना बीजाणुकाय बीजाणुकाय और जनन की कोई भी एनर्जी कोशिका देखो बीजाणुकाय या अध्यावृत की बीजाणुजनन की कोई भी एनिश्चित कोशिका कोई भी निश्चित कोशिका से यदि भ्रूण बनता है कि भ्रूण का निर्माण होता है तो उसके बोलेंगे अपस्थानिक भ्रूणता जनन क्योंकि सत्र होते भ्रूण होती है अनावर्ती एक्सटर्नल में दो प्रकार का होता है अब आता है एक्सटर्नल जनन का महत्व ये पुनः दो प्रकार के होते हैं ये होता है अनावर्ती एक्सटर्नल ये होता है जननिक ध्यान देना जनन का महत्व इंपोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस क्या महत्व है असंग जनन का ध्यान देना असंग जनन का महत्व तो देखिएगा असंग जनन द्वारा उत्पन्न संतति पादप को असंग जनन द्वारा उत्पन्न संतति पादप अपने जनक के समान होते हैं पहले मतलब क्या है असंग जनन के द्वारा उत्पन्न असंग जनन के द्वारा उत्पन्न संतति पादप संतति पादप अपने जनक के समान होते हैं क्या होते हैं अपने जनक के समान होते हैं ऐसे जनक के द्वारा उत्पन्न संतति पादप जो नए संतति पादप बनते हैं अपने जनक के बिल्कुल हूबहू होते हैं उनका समान होते हैं दूसरा है इससे उत्पन्न संतति पादप को मिलता है उत्पन्न नहीं होती है आगे आता है ऐसा असंग जनन द्वारा असंग जनन द्वारा उत्पन्न संतति पादपों में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि इस बात से क्या होता है
संतति वादन को मिलता है खंड नहीं होती, क्योंकि इसमें अर्धशक्ति वादन काम क्या है, क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित होने से अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित होने से क्या होता है, गुणसूत्रों का पृथक्करण एवं पुनर्गठन नहीं होता है, होने से गुणसूत्रों का पृथक्करण एवं पुनर्योजन नहीं होता है, गुणसूत्रों का पृथक्करण एवं पुनर्योजन नहीं होता है। द्वारा उत्पन्न पादपों में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि इसमें अर्धशक्ति वादन उत्पन्न अनुपस्थित होने से गुणसूत्रों का पृथक्करण एवं पुनर्योजन नहीं होता है। इस समय पर इस प्रक्रिया के द्वारा इस प्रक्रिया के द्वारा पौधों के उत्तम गुण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत नहीं होते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधों के उत्तम गुण यथावत रहते हैं। अगला जो असंग जनन द्वारा क्या होता है, रोग रहित पादप उत्पन्न होते हैं। असंग जनन द्वारा रोग रहित पादप उत्पन्न होते हैं। असंग जनन द्वारा रोग रहित पादप उत्पन्न होते हैं, अर्थात इनमें कोई रोग नहीं होता है, रोग रहित पादप उत्पन्न होते हैं। तो ये ऐसे ग्रह का हेतु था, ऐसे ग्रह का बताइए। दूसरी जो विशिष्ट विधिया है वो है बहुबीजांगता, क्या है बहुबीजांगता, बहुत होता हो जाएगी।